हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ आलू की पूरी बनाने, जिसके लिए मैंने आलू लिए हैं। आप देख सकते हैं, इन आलूओं को मैं अच्छे से भूनूंगी और इसको भरने के लिए आलू की कचौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ आलू है उबला हुआ। आलू आप भी इस तरह से ले लें। आटा है और इसमें पड़ने वाले मसाले हैं जो आप देख सकते हैं। पहले एक चम्मच आप इसमें जीरा ऐड कर लें, उसके बाद में तेल एक चम्मच के लगभग मैंने लिए हैं। अब इसमें लहसुन, मैंने 7 से 8 लहसुन को कट कर लिया, अदरक को कट कर लिया, 1 इंच से डेढ़ इंच का अदरक है उसको मैंने कट कर लिया है। और ग्रीन चिली में और आप सबको मिलाएँ अच्छे से, मिलाते हुए अच्छे से जरूर भी है। तो आप इसमें आलू डाल दें, और यह मैं आटे को भी अच्छे से छान लूँगी। तो थोड़ा पानी डाल करके आप भी आटे को करके छान करके अच्छे से इसमें रेस्ट से छोड़ दें। देख सकते हैं हल्के से लहसुन पक चुके हैं। आप देख सकते हैं लहसुन अच्छे से भून चुके हैं। अब आप इसमें डाल दें आलू, उसके बाद में आप मसाले डालें, जैसे कि सब्जी मसाला आप डाल दें, हल्दी पाउडर डाल दें, गरम मसाला चिकी फ्लावर डाल दें, नमक ऐड करके अच्छे से जब ये हल्का सा भून जाएगा उसके बाद में सारे मसाले आप ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से ये अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच सब्जी मसाला ऐड कर रही हूँ, हल्दी 2 चुटकी के लगभग, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, छोटी मिर्चा मैंने पत्थर से भी डाला है, गरम मसाला आधे चम्मच के बाद मैंने ऐड किए हैं, और 1 चम्मच के बाद मैंने नमक ऐड किया है। उससे 1.5 चम्मच के बाद मैंने नमक ऐड किया है, ये कचौड़ी है। आटा में मैंने नमक नहीं डाला इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। इसको मिक्स करें और इसे अच्छे से टोस्ट करके अच्छी तरह बना लें। इसे पूरी तरह से टोस्ट मिलाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने आटे भी गूंथ लिए हैं, इसकी तरह का टोस्ट आटा आप देख चुके हैं। इधर मैंने गैस बंद कर दी, आलू अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे आप कटोरी की सहायता से या ग्लास की सहायता से इस तरह से मैश कर लें, इस तरह से फिर आलू को मैश कर और मिलाते जाए और थोड़ा सा ठंडा होने दें। उसके बाद में फिलिंग करूँगी और कचौड़ियाँ तलूँगी, फ्राई करूँगी, तो आप सबको मैं दिखाऊँगी और आप सबको खिलाऊँगी भी। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से लोइयाँ बनाई हैं जो आप देख सकते हैं। इसे आप इस तरह से तो हल्के से आटे लगा लें, इस तरह से आटे लगाएं, यहाँ पे देख सकते हैं इस पर रखा हुआ है आटा। इस तरह से आटे लगा करके इसे आप इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना करके इसमें ये फिल करते जाएं। आलू जो मैंने डाले हैं कचौड़िया का शेप आप देते जाएँ इस तरह से। आप देखिए इस तरह से आप भी से आते जाए सारी पूड़ियाँ। आप इसी तरह से कचौड़ियाँ बना लें और इसे रिफाइन या तेल गरम करें, अच्छे से उसमें डालें। फिर मैं डालते हुए आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको फिलिंग करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप भी फिल करें इस तरह से। देखिए हल्की हल्की आटे लगाते जाए। मैं आपको दूसरी लोइयाँ इस तरह से लोइयाँ इस तरह से घुमाते जाएँ हाथ की सहायता लेकर के, और इसे आलू से फिल करते जाएँ। हल्का हल्का सूखा आटा लगाते जाएँ और आटे थोड़े सॉफ्ट रखिए इस समय, तभी आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम सॉफ्टी आलू की कचौड़ियाँ बनेंगी जो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह से फिल करते जाएँ कि एक फिंगर की सहायता से इसे इस तरह से, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। तो चलिए मैं सारी पूड़ियाँ इसी तरह से फिल कर लेती हूँ जो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से फिल किए हैं, इस तरह से आप भी फिल करें और हाथ की तरह सहायता से इस तरह से आराम से कर दिया करें। तो चलिए मैं रिफाइन इधर मैंने गर्म कर लिए हैं, चेक कर सकते हैं। थोड़े से आटे की गोलियाँ डाल करके इस तरह से चेक करें। आप देख सकते हैं रिफाइन पूरी तरह से गर्म हो चुका है, इतना ही हमें चाहिए। इसमें 1-1 पूड़ियाँ डाल करके कचौड़ियाँ बोलिए या पूड़ियाँ बोलिए डाल करके आप इसे अच्छे से
पलट पलट करके पकाएं। देख सकते हैं इसी तरह से आप भी रेड रेड और गोल्डन कलर का चूड़ियाँ तल लें। कचौड़ियाँ इसी तरह की आलू की बहुत ही प्यारी बहुत ही खस्ती कचौड़ियाँ होती है। तो चलिए मैं आप लोग को अब सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कचौड़ियाँ तल ली है आप लोगों के लिए। आप लोग भी इसे बनाएं और अपने घर पर इंजॉय करें। और विश्वकर्मा पूजा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।